Question is, we have to integrate the function which is x plus 1 into x plus log x base e total raised to the power 2 divided by x into dx. So let's see how we are going to integrate the given function. तो चलिए शुरू करते हैं. देखिए given function को integrate करने के लिए जो process मैं follow कर रहा हूँ वो ये है कि ये जो function आपको नजर आ रहा है which is x plus log x base e, मैं इसे एक नए variable से replace करने जा रहा हूँ. ठीक है, तो x plus log x base e को in case मैं एक नए variable let t से replace कर दूं, let x plus log x base e is equal to t, तो फिर आपके पास function में जो बाकी का data है जो कि या तो x के term में मौजूद है या फिर dx के term में मौजूद है, तो आपको ये data को भी t या फिर dt में convert करना होगा. और ये process complete करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो equation आपने let किया हुआ है इसको आप both side differentiate करिए. इनकेस अगर मैं इस एक्सप्रेशन को बोथ साइड डिफरेंशिएट करूंगा तो x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 होता है और log x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 1 अपॉन x के इनटू दैट इज dx एंड दिस इज इक्वल टू dt. तो आप देख सकते हैं कि इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो आप इसे लिख सकते हैं x plus 1 over x into dx एंड दिस इज इक्वल टू dt. तो अब अगर आप क्वेश्चन में चेक करें तो यहाँ पे आपको एक x plus 1 नजर आ रहा है, एक ही x नजर आ रहा है और एक ये dx नजर आ रहा है. मतलब आप ये तीन टर्म्स को डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं dt से. और इन केस अगर मैं इन तीनों टर्म्स को dt से रिप्लेस करूंगा तो फाइनली जो मेरे पास क्वेश्चन लेफ्ट आउट होगा वो होगा t raised to the power 2 into dt, क्योंकि आपने ये फंक्शन को t से रिप्लेस किया हुआ है. तो ये फंक्शन बन जाता है t square dt. अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इन केस अगर आप x रेस टू दी पावर n dx को इंटीग्रेट करते हैं तो इसका इंटीग्रल होता है x रेस टू दी पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट के. तो इन केस अगर आप इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रल आपको मिलेगा t रेस टू दी पावर 2 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, या फिर आप इसे लिख सकते हैं टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी के. पर आपके पास जो क्वेश्चन था वो इन टर्म्स ऑफ x मौजूद था, तो आपको आपके पास जो ये t नजर आ रहा है इसको आपको x के टर्म में रिप्लेस करना पड़ेगा. और इनकेस अगर आप इसको x के टर्म से रिप्लेस करते हैं तो फाइनल आंसर आपके पास बनेगा x प्लस log x बेस e टोटल रेस टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस कॉन्स्टेंट. एंड फाइनली दिस इज द आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम.